जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, यहाँ के डीसी अवनी लवासा जी, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ है, हमारे राहत आयुक्त श्री के सिद्धा जी, प्रोविंशियल रिहैबिलिटेशन ऑफिसर रविंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित। मैं विस्थापित शब्द का इस्तेमाल करूँ इसमें मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाइयों, बहनों और मित्रों, अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने एक हृदय विदारक दृश्य का संक्षिप्त विवरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये सच है कि 22 अक्टूबर 1947 को एक कायराने हमले में आपके अनेक पूर्वज जो शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। ये मुझे लगता है कोई भूल नहीं सकता है कि पड़ोसी मुल्क के अत्याचारों की वजह से हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों सपनों को रौंद दिया गया, लंबे समय से जो दंश आप झेल रहे हैं उस दर्द को समझा ही नहीं, महसूस किया जा सकता है। आज जो शुरुआत हुई है, एक कोशिश है प्रशासन आप तक स्वयं पहुँचे और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका तो 100% लाभ आपको मिले ही। जैसा के सिद्धा ने बताया कि केवल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आपके बीच प्रशासन इसलिए आया है कि जिनको भी रोजगार करना है कोई उसकी सीमा नहीं है। जितनी संख्या में लोग, खासतौर से हमारे नौजवान भाई बहन स्वरोजगार करना चाहते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि आर्थिक सहायता से सम्मानपूर्वक लंबे समय तक समाज नहीं जीता है। स्वयं के पुरुषार्थ से मैं समझता हूँ कि इतिहास बनाया जाता है। आपके पूर्वजों का जो इतिहास है, इतिहास पर गर्व करिए, उससे सबक लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने आभार व्यक्त किया, वास्तव में प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक फैसले के कारण 5 अगस्त 2019 के बाद असंख्य ऐसे लोग जो लंबे समय से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे, केवल मौलिक अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक अधिकारों से वंचित थे, आर्थिक अधिकारों से वंचित थे, उस ऐतिहासिक निर्णय से ढेर सारे लोगों का जीवन बदला है। लेकिन वक्त का पहिया जिस रफ्तार से घूम रहा है, आप भारत माता की संतान हैं और हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उस देश को पीछे छोड़ करके जिस देश के हम गुलाम हुआ करते थे। अब भारत लक्ष्य लेकर चल रहा है कि आने वाले दिनों में हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है और उस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका योगदान भी किसी से कम न हो, मैं समझता हूँ ये संकल्प आज लेने की ज़रूरत है। और इसलिए काफ़ी विस्तार से सिद्धा जी ने बताया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सबको मालूम है कि अभी कश्मीरी भाइयों के लिए भी एक कैंप का आयोजन हुआ, उसका विस्तार से विवरण सिद्धा जी आपको उपलब्ध कराएंगे। ढेर सारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे आगे बढ़ करके रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आ रहे हैं और बैंकों को ये निर्देश दिया गया है, इसमें कोई सीमा नहीं है। जितने नौजवान खुद इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और उनको पूरी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ये मैं आपको भरोसा देने आया हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम प्रशासन चलाता है तो आम आदमी की अपेक्षा क्या होती है कि आम आदमी की आवाज़ भी उस कार्यक्रम में सुनी जाए
और इसीलिए प्रशासन आपके दरवाजे पर है। सामान्य आदमी चाहता है कि भारत का संविधान जो उसे अधिकार देता है उसकी रक्षा हो, समता की भावना से हो, बिना किसी भेदभाव के साथ हो, ये सबकी अपेक्षा होती है। ठीक कहा कपूर साहब ने 1947 में मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद से अपना घर बार छोड़ करके और उन बहनों माताओं को जितना भी मुझे मैं कहूँ कि सम्मानपूर्वक याद किया जाए कम होगा जिन्होंने कुएं में कूद करके अपनी इज्जत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आप में से अनेक लोगों के पूर्वजों ने मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक चीज़ें आपको मिली हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देने आया हूँ, डिविजनल कमिश्नर भी हैं, डीसी भी हैं, हमारे सिद्धार्थ साहब बहुत ही संवेदनशील ढंग से जो काम इनको दिया गया है उसको कर रहे हैं, और अगर मैं उनके लिए प्रशंसा के शब्द न कहूं तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। डोमेसाइल बाकी चीज़ें सामान्य प्रक्रिया है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पारदर्शी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना भेदभाव के लोगों को समय सीमा के भीतर जितनी भी नागरिक सुविधाएं हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में वो समय सीमा के भीतर मिलें। ये कोशिश निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंच रही है। बिचौलियों को कोई जगह न रहे इसका भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिचौलिए बड़े खतरनाक लोग हैं। समाज की बात करेंगे, अपना हित साधन करेंगे, समाज के सामान्य आदमी के हित साधन से ये दूर हो जाते हैं। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी बिचौलिए के बीच चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी खजाने से निकली हुई एक एक पाई अब आपके पास पहुँचे इसका इंतज़ाम हम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर लिया है। मैं समझता हूँ कि 100% सफलता भी इसमें हमें ज़रूर मिलेगी। कपूर साहब ने बताया 7 नवंबर 2015 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर आए थे तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा छम्ब के विस्थापितों के लिए वन टाइम सेंट्रल असिस्टेंस की घोषणा उन्होंने की थी। 27,368 परिवारों को 34,463 चिन्हित किए गए, 34,002 मामले गृह मंत्रालय को भेजे गए, जिसमें 33,636 लोगों को 1,452.33 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई। आपसे मैं पहले भी मिला हूँ, आपकी भावना से मैं अवगत हूँ। सरकारी जो भी योजनाएं चलती हैं उनकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, समय सीमा समाप्त होने के बाद फिर से उस योजना को लागू करना सरकार के लिए कठिन होता है, लेकिन आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं और आपको भरोसा देता हूं उस दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। आपके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। अन्य राज्यों में अलग अलग स्थान पर जो आपके भाई हैं, परिवार हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, और इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष ही मार्च महीने में पहले सप्ताह भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 सब स्कीम्स को एक ही अम्ब्रेला स्कीम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट्स के अंतर्गत करके कल्याण योजनाओं की अवधि को बढ़ा दिया है और 2025-26 तक उसे भारत सरकार ने कर दिया है। इस योजना में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा छम्ब के विस्थापित परिवारों को भी शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की सहायता का मात्र आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है। सरकारी सहायता नागरिकों के आत्मविश्वास को सशक्त बनाने का साधन होती है, और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ जो उपस्थित भाई बहन हैं या आपके जो भाई बहन नहीं आ सके उनके लिए जो योजनाएं शुरू हो रही हैं
वो हर प्रकार की अनिश्चितता और आशंका को समाप्त करके सभी परिवारों और विशेष तौर से युवा पीढ़ी में नया विश्वास पैदा करेंगी। 370 समाप्त करने के पश्चात प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे POJK के विस्थापित परिवारों के लिए सिद्धा जी ने बताया कि डोमिसाइल देने का कार्यक्रम गति से चला है। अनेक कैंप दिल्ली, चंडीगढ़, हिमालय, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में लगाए गए हैं। 21,000 से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। लगातार इस तरह के कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में युवा पीढ़ी को रोजगार की सीमित संभावनाओं से दोचार होना पड़ा था। समाज को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया गया और बताया गया कि किसी तरह येन केन प्रकारेण सरकारी नौकरी में चले जाइए। युग बदल गया है। आज आप देखिए, 10 अगर इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो उसमें से 9 फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर। अब वो जमाना चला गया कि बड़े उद्योगपतियों के बच्चे ही आज उद्योग लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स में नए नए बच्चे एक तरह से क्रांति कर रहे हैं और जो नौकरियां मिली कैसे मिली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लंबे समय तक एक ऐसी व्यवस्था यहाँ फली फूली है जो भेदभाव, पक्षपात से पूरी तरह से प्रभावित रही। पिछले दिनों जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने परिणाम निकाले तो एक सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे गेट पर आकर खड़ी थी। मुझे सुरक्षा के लोगों ने कहा कि साहब, एक बच्ची है, वाई हुई है, मिलना चाहती है। मैंने बुलाया, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि साहब, हमने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हमारे पिताजी सब्जी बेचते थे ठेले पर, अब ऐसे लोग चयनित हो रहे हैं जिनके पास योग्यता है, जिनके पास प्रतिभा है। पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। पारदर्शी तरीके से दी गई है, किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ये व्यवस्था खत्म हो गई। जिन मामलों में शिकायत आई है उसकी जाँच CBI से कराई गई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो भी उसमें दोषी पाएगा, भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत कठोरतम दंड उसे ऐसा मिलेगा कि भविष्य में कोई साहस न करे इस तरह की गलती करने का। 20,000 पदों की भर्ती आने वाले महीनों में, 2 महीने में हम विज्ञापन निकाल कर करना चाहते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई, अंतिम व्यक्ति का साक्षात्कार समाप्त हुआ और उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। शायद ये जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में ये पहली घटना। 20-20 साल, 21-21 साल से लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे अनेक विभागों में और जानबूझकर रोका गया था कि योग्यता प्रतिभा का कैसे हनन किया जाए, अपने पसंदीदा लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2001-2002 से 2000 से रुके हुए सारे प्रमोशन कर्मचारियों के कर दिए गए। मैं जानता हूं कि आज का नौजवान अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार की सुविधा आपको इसके लिए, आप नौजवान भाइयों बहनों को उपलब्ध कराएगा। ऐसे नए रास्तों का निर्माण जो हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, वो मात्र उनके आजीविका का साधन नहीं बल्कि तरक्की की नई मंजिल कैसे वो तय करे, इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। 6,00,000 नौजवानों को अभी तक आर्थिक सहायता देकर इंटरप्रेन्योर बनाने में भाई बहनों को हमें सफलता मिली है। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट कैंप में एक बड़ी फेहरिस्त नौजवान बच्चों की, बच्चियों की बनी है जो स्वरोजगार के लिए, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, मैं जानता हूं एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन आप से मेरा आग्रह कि जो भी बच्चा इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, कृपा करके इन कैंपों में ले आइए। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन नौजवानों की हैंड होल्डिंग करके उन्हें केवल रोजगार नहीं बल्कि ऐसा नौजवान हम बनाना चाहते हैं कि 5 और नौजवानों को रोजगार दे सके। इस दिशा में आप हमारा सहयोग करिए। आप
19 मार्च तक, जैसा सिद्धा जी ने बताया, कठुआ, पुंछ, उधमपुर, रजौरी, अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो, आर्थिक सहायता हो, सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सेचुरेशन हो, स्कॉलरशिप हो, चाहे वो स्कूल की हो या हायर एजुकेशन की हो, ये सब आपके दरवाजे तक पहुँचे। मिशन यूथ जो कार्यक्रम चलाता है, मुमकिन हो, परवाज हो, राइज टुगेदर, इन सभी कार्यक्रमों को भी आप के बच्चों को, बच्चियों को आपको मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। होनहार खिलाड़ी जो हैं, जिनकी रुचि है स्पोर्ट्स में, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स का बजट है, देश के किसी राज्य की तुलना में अगर प्रति व्यक्ति देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और 3 वर्षों में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बना है, मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने PMDP के अंतर्गत ढेर सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को दिए। और आज मैं कह सकता हूँ कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन हो गया है। इस वर्ष में 50 लाख नौजवानों ने खेल में हिस्सा लिया है, ये सामान्य आंकड़ा नहीं है। 1,30,35 लाख की आबादी में 50 लाख लोग खेलों में भाग लें, ये कभी सोचा नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं, जनपदों का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स भी बढ़ाया गया है, किसान भाई समृद्ध हो, इसके लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 5,013 करोड़ की हम लोगों ने स्वीकृत की है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के, 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर है उसका जीवन, उसके जीवन में कैसे समृद्धि आए, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज के साथ साथ इंडस्ट्री यहाँ लगे, इसकी भी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जब आए थे, लगभग 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने किया था, उसमें से 12-13 हज़ार करोड़ के काम प्रारंभ हो गए हैं। कुछ तो एक आंकड़ा अगर मैं बताऊं कि हर दिन एक नई यूनिट यहाँ आ रही है, ये स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ने वाली, लैंड बैंक की कमी थी, जो लैंड थी वो भी उपयुक्त नहीं थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हम आपको भरोसा देते हैं कि आपकी दिक्कतों को दूर करने की हर कोशिश की जाएगी। एक ऐसी अस्थाई व्यवस्था हम निर्मित करना चाहते हैं जिसमें आपके हर एक परिवार को सामाजिक आर्थिक सेक्टर्स में हो रही गतिविधियों में शामिल किया जाए और बाकी लोगों की तरह आपके जीवन में भी सार्थक बदलाव आए और आप स्वाभिमान से ये कह सकें कि हम भी उसी भारत के नागरिक हैं, उसी भारत माता की संतान हैं जिस तरह बाकी लोग हैं। इन योजनाओं को हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के वंचितों को वरीयता के मूल मंत्र के साथ समाज के ऐसे वर्गों और क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। किसी भी क्षेत्र, किसी भी समाज का संतुलित विकास है तो क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का जो संकल्प है, वो संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि POJK से आए हुए हमारे भाइयों बहनों का पूरी तरह से विकास न हो जाए, तब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा। मैं पाकिस्तान, कहा गया देश की संसद के प्रस्ताव को, मैं समझता हूँ कि पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान उस संकल्प से बंधा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। मैं समझता हूँ कि माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ वो दिन भी आपको जीवन में दिखा सकते हैं जिसकी कल्पना लेकर के आप यहाँ स्वाभिमान से रह रहे हैं। मैं फिर से 2-3 बातें कही गई। POJK भवन आपकी इच्छा के अनुसार आपके स्वाभिमान का प्रतीक बने, इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और इस महीने में जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी और सिद्धा जी से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपसे चर्चा करके वहाँ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसको अंतिम प्रारूप दीजिए, जितनी लागत होगी उतना धन उपलब्ध करा के उस भवन को बनाया जाएगा। दूसरी बात, ये भी मुझे मालूम है कि आप जिन कॉलोनीज में रहते हैं उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है,
उसे भी अति शीघ्र रेगुलर कर दिया जाएगा। ये काम भी आने वाले दिनों में हम करना चाहते हैं और ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि POJK ये भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उससे हमसे अलग नहीं कर सकती। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक दिन हमारी मिट्टी के सभी अविभाज्य अंग भारत का मजबूत हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के संकल्प को साकार करने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस कैम्प का जो विजन है विस्थापन से स्थापन, इस कैम्प का विजन है प्रशासन आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आप अपने को शरणार्थी के रूप में देखना बंद करिए। आप एक स्वाभिमानी नागरिक इस देश के हैं, इस दृष्टि से आपको आगे आने की ज़रूरत है और अखंड भारत के नागरिक स्वाभिमानी ही रहें। आप सभी परिवार भारत माता की संतान हैं, युवा हों, हमारी बहनें हों, सभी मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दीजिए। इस महायज्ञ में आपकी आहुति का आह्वान करने हम आए हैं और हमारा प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा योजनाओं और आपकी उम्मीदों के बीच का फैसला जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस नए जम्मू कश्मीर में आपको भी किसी से कम लाभ न मिले, ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः आप सभी से इस गवर्नेंस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की मैं अपील करता हूँ। जल्द दोबारा आपसे भेंट होगी। एक बार में सब कुछ हो जाएगा ऐसा मैं भरोसा नहीं देता हूँ। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। कुछ बातें जो मेरे ध्यान में थी मैंने कही हैं। कैंप के बाद फिर हम सब मिलेंगे, चर्चा करेंगे और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपकी उम्मीदों आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से हमारा प्रशासन उठाएगा और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आपका योगदान किसी से भी आगे रहे, ये स्थिति हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।